बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमार शाहिद। इन दिस वीडियो वी शैल लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आल्सो द न्यूमेरिकल्स 13.5 एंड 13.6। सबसे पहले 13.5 न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? हम जानते हैं कि यूनिट कोई भी पॉजिटिव कोई भी चार्ज है, हम स्पेशली फ़र्ज़ करें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, उसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड आउटवर्ड होती है, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रेंज बनाना चाहें तो ये कुछ यूँ होगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। इन्फिनिटी मीन्स डैट के एक ऐसे फासले पर पड़ा हुआ है जो कि प्लस क्यू चार्ज की रेंज से दूर है, राइट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज की फील्ड से रिपेल होगा क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम चाहें कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। हमारा किया गया वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम वर्क करके स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लें ए है। एक इन्फिनिटी पर पड़े हुए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी खास पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क किया जाता है, इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट वेयर V इज इक्वल टू W ओवर क्यू। अब अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में सेट फ्री करें तो ये फील्ड के अलॉन्ग मूव करेगा। इस सिचुएशन में हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, राइट। अब जैसे कि न्यूमेरिकल में भी है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10^4 वोल्ट। इफ द चार्ज ऑफ 100 माइक्रो कूलम इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, वट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, ठीक है। अब मतलब कि कोई भी चार्ज हो, उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक पॉइंट है ए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि गिवन है 10^4 वोल्ट है। बाहर से एक कोई चार्ज पड़ा हुआ है 100 माइक्रो कूलम का, ठीक है, उसको हमने बाहर से इस पॉइंट पर लाना है, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। गिवन डाटा V इज इक्वल टू 10^4 वोल्ट एंड चार्ज इज इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम, 100 इंटू 10^-6 कूलम्स टू फाइंड वर्क डन मालूम करना है हमने। सोल्यूशन V इज इक्वल W बाई क्यू होते हैं, W इज इक्वल टू क्यू वी आ जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास 1 जूल्स आ जाएगा रिजल्ट। हैंस वर्क ऑफ 1 जूल इज टू बी डन ऑन द 100 माइक्रो कूलम चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर देर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 10^4 वोल्ट्स, ओके। 13.6 न्यूमेरिकल इसके का जो कंसेप्ट है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है, ओके। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पत्थर है हमारे पास, उसको हम एक ख़ास हाइट पर फेंकते हैं, तो हमारा किया जाने वाला वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इस सिचुएशन में चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन ज़मीन की तरफ है, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त स्टोर होगी जब फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया जाएगा, ठीक है ना। देखें फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, हम ऊपर की तरफ इस बॉल को लेके जा रहे हैं या स्टोन को लेके जा रहे हैं, तो जब भी हम फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगर हम इसी पत्थर को छोड़ दें, ठीक है, यानी सेट फ्री कर दें, तो ये फील्ड के अलॉन्ग मूव करेगा। अब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। अच्छा, फर्ज करें हमारे पास टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
पॉजिटिव प्लेट से इमर्ज होती हैं और नेगेटिव प्लेट पर टर्मिनेट हो जाएंगी। जितना हम पॉजिटिव चार्ज के करीब होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही वैसे वैसे कम होता जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हम तीन पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है, बी पर मज़ीद कम है और सी पर मज़ीद कम है। अच्छा अभी फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सारी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं ए और बी। ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसे हम वी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा, हम इसे वी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी बी से, राइट ओके। फर्ज करें हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, जैसे ये है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है जो कि पॉइंट बी पर पड़ा है, यहाँ इसका पोटेंशियल वी बी होगा। अगर हम इस चार्ज को उठाकर हाई पोटेंशियल वी ए पर ले जाना चाहें तो हमें वर्क करना पड़ेगा, राइट। हमारा ये वर्क, ये जो वर्क हो रहा है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम इसी पॉइंट चार्ज को सेट फ्री करें तो ये फील्ड के अलॉन्ग मूव करेगा, जैसे ये फोर्स उठा डाली तो ये फील्ड के अलॉन्ग मूव करेगा, गोया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हम जानते हैं कि वी इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, इस फार्मूले के रूप से डब्ल्यू इजिकल टू क्यू वी आ जाएगा, यानी वर्क हमारे पास क्यू वी के इक्वल आ जाएगा। हम ये बात भी जानते हैं कि अबिलिटी टू डू वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। अब यहाँ वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यू वी के इक्वल है। इसके नतीजे में, इसी फार्मूले के नतीजे में हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज़ यू ए इज इक्वल टू क्यू वी ए, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज़ यू बी इज इक्वल टू क्यू वी बी, राइट। अब फील्ड जो वर्क करती है चार्ज पर वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है, ठीक है। हम लिखते हैं वर्क, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या यू ए माइनस यू बी। वैल्यूज पुट करेंगे तो हम अल्टीमेटली हमारे पास क्यू वी ए माइनस क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी आ जाएगा, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इन टू वी ए माइनस वी बी। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ पॉइंट चार्ज ऑफ प्लस टू कूलम्ब इज ट्रांसफर फ्रॉम अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्टेज टू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्टेज, वट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड टू द चार्ज, राइट। अब हाई पोटेंशियल है वो जो गिवन है वो कितने है, 100 वोल्ट, और लो पोटेंशियल कितने हैं, 50 वोल्ट। और जो चार्ज हाई से लो की तरफ जा रहा है वो कितने टू प्लस टू कूलम्स, राइट ओके। अब गिवन डाटा वी ए 100 वोल्ट आ गया, वी बी आपके पास 50 वोल्ट है, और क्यू चार्ज कितने टू कूलम्स का चार्ज है, राइट। अब वर्क फील्ड कितना वर्क करेगी ये फाइंड आउट करना है, जैसे कि फार्मूला अभी अभी हमने ड्राइव किया है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, राइट। अब जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास 100 जूल्स आ जाएगा। हम कहेंगे हैंस द वर्क डन, हैंस 100 जूल्स ऑफ वर्क इज टू बी डन इज डन ऑन द चार्ज बाय द फील्ड, यानी फील्ड चार्ज पर कितना वर्क करेगी, 100 जूल्स वर्क करेगी। तो ये आपके दो न्यूमेरिकल्स थे, और इसके साथ साथ जो इसका कंसेप्ट था, होप सो आप समझे होंगे इसे, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।